तो क्रिकेट कमेटी चलेगा। जिम्बाब्वे के बाद तो टीम की मुतवक्को है पाकिस्तान में? देखिए जिम्बाब्वे वाली टीम उन्हें अच्छी बात है, ये उन्हें कंफर्म कर दी है। PSL के आखिर भी मैच, HBL PSL मैचेस भी हो रहे हैं, वो आखिरी जो फोर मैचेस हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह जनवरी में आ रहे हैं, तो ये पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे टूरिंग के लिए, वो खेलने के लिए। तो इसके बाद नहीं है, बहुत हमने काम किया है, PCB वाले स्टाफ ने बहुत काम किया है, कोविड को बाहर सिक्योर इन्हें भी डेवलप की है। ये आसानी वाली बात नहीं है कि हम पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड जो फुल डोमेस्टिक स्केड्यूल अनाउंस किया है, तो हमें लोग देख रहे हैं, जितना हम एक्टिव हैं अभी कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड नहीं है अभी, तो ये अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैंस के लिए क्रिकेट हम उनको दें, तो ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इस सब्जेक्ट से अभी वो केस चल रहा है, तो अभी उसके बाद हम नहीं कर सकते अभी। वसीम भाई, कुछ प्लेयरों के खिलाफ FIA में भी इंक्वायरी जा रही है, बहुत मुतालबात आ रहे हैं कि क्योंकि उसको भी डिस्क्लोज किया जाए कि वो PSL के कौन से प्लेयर्स हैं जिनके टीम जाएगी। वो उसने वो इटिनरी भी आपने फाइनलाइज कर दी है। हमारी ए टीम जो भी है शहींस, पाकिस्तान शहींस, वो भी टूर करेंगे साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, उधर दो फोर डे मैचेस खेलेंगे और 5 T20 मैचेस। तो हमारी ये हमारी शहींस टीम बहुत ज़रूरी है कि उनको भी हम फिक्चर्स दें, उनको एक्सपीरियंस मिले दूसरे मुल्कों में खेलने का, तो बहुत अच्छी बात है। तो जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, HBL PSL मैचेस हम खेल रहे हैं, डोमेस्टिक हमारा T20 भी 30 तारीख शुरू हो रहा है मुल्तान और रावलपिंडी में, उसके बाद कायदे आज़म भी हमारा वो फिक्चर्स भी शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमारी टीम न्यूजीलैंड चले जाएगी, जब वो वापस आएंगे इंशाल्लाह फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इधर ही खेलेंगे। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू PSL के अंदर फ्रेंचाइजेस को कुछ फाइनेंशियल मॉडल के अंदर कुछ छूट दी जा रही है, कुछ उनको जो लॉसेज हैं उनको कुछ ओवरकम करने के लिए PCB सोच रहा है? देखिए वो तो हमने 23 सितंबर में ईमेल हमने भेजा था फ्रेंचाइजीज को कि देखिए हम मॉडल डिस्कस करने चाहते हैं। तो हमारे लिए थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि उसके बाद दो दिन के बाद वो कोर्ट में फाइल हो गया था, लेकिन उस केस के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑनगोइंग केस है। सपोर्ट करते हैं, वो फाइनेंसिस भी देते हैं रन करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह क्रिकेट एसोसिएशन जो हमारे 6 क्रिकेट एसोसिएशन है वो रन करेंगे, क्लब क्रिकेट को भी ओवरसी भी करेंगे, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन को भी हम डेवलप कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह वो भी हम शुरू कर लेंगे वेरी वेरी सून। तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए आज बात सुनने की, और मुझे भी बहुत खुशी है कि क्लब क्रिकेट मैं भी खेला हूँ, उधर से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट भी शुरू कर दिया था इधर इंग्लैंड में, तो क्लब क्रिकेट बहुत ज़रूरी है। तो नदीम खान भी हमारे साथ हैं जो हाई परफॉर्मेंस के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, तो इनको मैं हैंड ओवर करता हूँ थोड़े वो ये भी बातें करें। सॉरी डोमेस्टिक क्रिकेट पर हम बात करें तो जिस तरह पहले जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद की गई, काफ़ी जो है वो प्लेयर्स भी जाके PM से मिले, उन्होंने भी कहा कि ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये बेहतरीन है। तो सर अभी जो है वो जो नेशनल T20 के लिए फर्स्ट 11 सेकेंड 11 जी जी है, इसमें प्लेयर्स जो हैं वो खुद क्रिकेट छोड़ कर जा रहे हैं और साइन भी नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट को, जिस तरह मोहम्मद इरफान जूनियर है उन्होंने भी क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर दिया, जिसके बाद उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदा हुआ। तो सर क्या प्लेयर्स में क्यों इस तरह की जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जा रहा है बोर्ड से मुतल्लिक और अपनी जॉब से मुतल्लिक? नदीम को मैं ये सवाल है, इस पे मैं जवाब दे जी जवाब दे। हाँ, इरफान का जो आपने केस बताया, इरफान का 2018-19 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 2019-20 में आप देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस डाउनवर्ड स्लाइड कर रही थी, इसलिए उनको सेकंड टीम में डाला था। उनकी अपनी चॉइस थी, उन्होंने ख़ुद अपना फ़ैसला किया है, वो टीम के अंदर थे सेकंड टीम के अंदर, लेकिन वो समझते हैं कि वो सेकंड टीम में नहीं खेलना चाहते, ये उनकी अपनी चॉइस है, ऐसा नहीं है कि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन आप परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल डाउनवर्ड जा रहा था, जिसकी वजह से सेकेंड टीम में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें आपका क्या होता, अक्सर ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टीम से सेकंड टीम में चले जाते हैं लेकिन आप परफॉर्मेंस करके वापस आते हैं, आप क्रिकेट नहीं छोड़ते। तो ऐसी बात नहीं है कि वो मायूस हो गए, जो मायूस है वो अपनी परफॉर्मेंस से शायद हो रहे हों, लेकिन हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा नदीम भाई, वज़ीर आज़म से मुलाकात डिपार्टमेंट क्रिकेट हमारे लिए और PCB के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लब क्रिकेट जो होता है बेडरॉक होता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए है, जब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स है सब क्लब क्रिकेट के पहले शुरू किया था, तो क्लब क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है PCB के लिए। नेक्स्ट मंथ भी वो क्लब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह क्लब्स को हम रजिस्टर करेंगे, क्लब क्रिकेट को हम बिल्ड करेंगे, डेवलप करेंगे,
तो आज तो यह क्लब कॉम्पटिशन जो इधर मॉडल टाउन में हो रहा है, इसकी बहुत खुशी है कि हम क्रिकेट भी देख सकते हैं कोविड के बाद। इंशाल्लाह हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी हमने अनाउंस कर दी है, तो उसमें भी सब फैंस को बहुत खुशी है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट भी हम खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी क्रिकेट वापस आ गए पाकिस्तान। लेकिन ये क्लब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने डेवलप की है और रजिस्ट्रेशन जो भी हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये क्रिकेट को गैल्वेनाइज करेगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। सजाद मलिक साहब को बहुत बहुत शुक्रिया जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं आज। की बात आपने लफ्ज़ी मेरे ख्याल से गलत इस्तेमाल हो गए यहाँ पे, मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म से ज़्यादा मैं तो नहीं समझता कि मैं उनसे ज़्यादा क्रिकेट को समझता हूँ। अगर उन्होंने ये बात की है तो यकीनन उनका उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं और वो काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे थे और वो अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे ख्याल से हमसे और आपसे ज़्यादा ही क्रिकेट को वो समझते हैं, तो उन्होंने जो फैसला किया बेहतर ही किया। तो आप लोग साथ हैं उस फैसले के? बिल्कुल हम साथ हैं। देखिए नदीम, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा चेंज हो गया, ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशन तो 19 अगस्त 2019 ख़त्म हो गया, तो वो हम नई वाला कॉन्स्टिट्यूशन ले आए थे, उसमें हम डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिकग्नाइज़ नहीं करते जो हमारा नई वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट वो खेल सकते हैं, लेकिन नई वाला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 6 सूबे हैं, 6 क्रिकेट एसोसिएशंस, इनके ऊपर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट अभी चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे। वसीम भाई, उनसे कोई वजाहत तलब की है मिसबा से, अपील से? एक खबर चली थी कि शायद उनको नोटिस जारी किए जाएंगे या क्रिकेट कमेटी में तलब किया जाएगा, क्या फर्दर है उनके? देखिए नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उनके साथ मैं मिलूंगा, तो उनके साथ हम बात करेंगे। वसीम भाई, काफ़ी अच्छा हो गया जो आपका नया आईएन भी बन चुका है, तो जो एसोसिएशन है उनकी रजिस्ट्रेशन यूई कंपनी एक्ट के तहत जी, उसका प्रोसेस क्या है? क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें भी नाम आ रहे थे कि पीसीबी ने अपने ही ऑफिशल्स को वहाँ पर रजिस्टर करवा दिया। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इशू नहीं होता, कि हमने पीसीबी स्टाफ को हमने पहले वो उनको लिखवाएंगे तो, लेकिन ऐसे इशू नहीं है क्योंकि अभी तो क्रिकेट एसोसिएशन सेटअप नहीं हुए थे उस वक्त, तो इस वजह से हम वो ऐसे कर सकते थे कि क्रिकेट सोसाइटीज़ एक्ट जो है उसको थ्रू करने के लिए लेजिटिमेटली हमने किया था। लेकिन ये इंटरिम कमिटीज़ भी इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में हम फाइनलाइज कर देंगे, और क्रिकेट एसोसिएशन ये जो रजिस्ट्रेशन भी हैं उनके, ये थोड़े ये ब्यूरोक्रेसी भी हो जाती है कोविड के वजह से, थोड़ा टाइम भी लग गया उनके ऊपर, लेकिन इशू नहीं है इनके ऊपर। नहीं अभी है, मेरे ख्याल 2 एसोसिएशन हमने रजिस्टर की हैं, तो बाकी जो 4 है वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। क्रिकेट कमेटी के हवाले से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, क्रिकेट क्या कब इजलास होने जा रहा है? नहीं ख़त्म नहीं होगा, बस उसको हमने रिव्यू किया था, लेकिन वो चेयरमैन को अभी हम ढूंढ रहे हैं, तो इंशाल्लाह।